जो काम तुमने मुझे बोला है वो बहुत मुश्किल है। सुशांत के ऑफिस की तलाशी करना तो ठीक, मगर दिलावर जैसे खतरनाक शख्स के कमरे में जाना भी नामुमकिन, और तुम मुझे तलाशी का कह रहे हो। देखो एनी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मेरी मदद करो, सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो तुम्हें जिंदगी में जहां मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। यानी तुम्हारा गुस्सा बचा है, लेकिन देखो ये काम मुझसे गलत हुआ है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सलमान, भूल जाओ सीढ़ी को, वक्त गुजर चुका है। पता नहीं वो सीढ़ी अब है भी या नहीं। नहीं यानी वो सीढ़ी वहीं पर ही है, और मुझे वो सीढ़ी हर हाल में चाहिए। मुझे तो वाकई तुम पे अब शक हो रहा है कि तुम वो सीढ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। यानी तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। दिलावर बहुत ही खतरनाक बंदा है, अगर वो सीढ़ी उसके हाथ लग गई ना तो वो मुझे भी ब्लैकमेल कर सकता है। प्लीज समझो मेरी बात को। मतलब ऐसा क्या है सीढ़ी में? तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। प्लीज एक बार मेरा ये काम कर दो, मुझे वो सीढ़ी हर हाल में ला दो प्लीज। देखो मैं कोशिश करूंगी, मैं खुद काफी दिन से एजेंसी नहीं गई हूँ, जिस दिन फोटोशूट होगा मैं उस दिन ट्राई करूंगी। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जिस बच्चे को मेरा बच्चा कहा, मेरी औलाद नहीं है। मेरे मुश्किल कुशा तेरे दर से ना खाली, कोई भी गया तू करम ही करम, अता ही अता दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि हारिब के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। मुझे पता था वो अंबर के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा। तो और क्या करते, अगर अंबर के साथ उसकी शादी ना करते तो हमारे लिए और भी मसले होते। शादी ना करवाकर इतने बड़े अजाब में नहीं फंसते जिस अजाब में अब हैं। और जमान साहब, वो तो अंबर के मामले में वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, अपना जाने जाके उनको क्या क्या बताएगी ये। जुनेद आप परेशान ना हो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं और मामा बात करेंगे अंबर से। नहीं, कोई बात नहीं करेगा अंबर से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर हम उनसे मिलने ना गए और उसे मनाया नहीं तो जमान हम पर हमारी जिंदगी तंग कर देगा। जमान जमान जमान, आखिर कब तक हम उनकी दी हुई दौलत और आसाइशों की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कब तक अपना जमीर बेचकर उनके कदमों में बिछे रहेंगे? हारिब, तुम जानते हो उनका हमारे खिलाफ हो जाना हमें किस मुसीबत में डाल सकता है। जानता हूं बाबा, सब जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप लोगों का अल्लाह की जात से यकीन उठ चुका है जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आप सबको बता रहा हूं, आप में से जिसने भी अंबर से बात की मैं उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा। हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। बच्चा? कौन सा बच्चा? जो औरत अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही डिसऑन कर दे, उससे आप क्या तवक्को रखती हैं?
छोड़कर फौरन वापस आ जाएं। उससे अब और अपनी इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ एक एक मिनट गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया है डैड। आप और मम्मा जल्दी वापस आ जाएं, बस जल्दी वापस आ जाएं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया हारे, मुझ पर। I will not spare you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हारे। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया हारे। I will not spare you.